हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। जैसा महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है मेरे भाई, अर्जेंट अपडेट बोर्ड एग्जाम को लेकर, आप लोगों को टाइम टेबल को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है मेरे भाई। इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लिए तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला इस चीज से। प्लस महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से आप लोगों का 10th का और 12th का जो एग्जाम डेट है वो चीज आ चुका है मेरे भाई। तो अब कब है मेरे भाई वो चीज बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों को चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड तक जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट पीवाईक्यू के बेस पे रिपीटेड क्वेश्चन, वो चीज हम लोग ऑल सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। इसके लिए बोल रहा हूँ चैनल को मेरे भाई 50K के बहुत नजदीक है, फटाफट सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पर क्या चीज आया मेरे भाई, 2025 में क्या होने वाला है आप लोग को एग्जाम को लेकर मेरे भाई, बहुत बड़ी अपडेट है। क्या चीज है आप लोग को यहाँ पर 10th का जो दिया गया टेंटेटिव जो टाइम टेबल आता वो चीज आया है, कब से आए होगा आप लोग का एग्जाम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोग को बता दूं यहाँ पर जो 10th का है और 12th का कब होने वाला, जस्ट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सबसे पहले यहाँ पर 10th का बात किया जाए तो 21, देखो मेरे भाई 10 दिन सब में आगे हो चुका, 10 दिन पहले हो चुका। 10th का जो होने वाला है मेरे भाई 21 फरवरी से लेकर आप लोगों को 17 मार्च तक होने वाला है। क्या 10वीं का जो एग्जाम आप लोगों को 2 मार्च से होता था ना मेरे भाई, वो चीज 21 फरवरी से 17 मार्च तक ही कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 25 मार्च तक ही मेरे भाई जा रहा। तो सोचो 10 दिन का यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है मेरे भाई, बहुत ज्यादा नुकसान आप लोग को होने वाला है एग्जाम को लेकर। अब क्या होने वाला है वो लास्ट में बताऊंगा, इसके लिए ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक देखो। अब उसके बाद मैं 12th का बता देता हूँ, 12th का कब होने वाला है मेरे भाई। यहाँ पर देखो 11 फरवरी, देखो ध्यान से सुना, 11 फरवरी से लेकर आप लोग का होने वाला 18 मार्च। अब यहाँ पर ये चीज इस साल का अपडेट आ रहा है कि आप लोग को यहाँ पे 10वीं का जो एग्जाम होने वाला है 21 फरवरी से 17 मार्च तक होने वाला, और यहाँ पे जो 12th का एग्जाम हो 11 फरवरी, जहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर 10वीं ए वाला 12वीं का यहाँ पे जा रहा था, वो चीज़ हटा के यहाँ पर 11 ही फरवरी से 18 मार्च तक करा रहे, तो इसके बिहाइंड आप लोग को नुकसान क्या होने वाला वो चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग को इससे क्या होगा, आप लोग का जब प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होता था मेरे भाई वो भी पहले होगा, वो भी पहले ही करा लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को जो भी एग्जाम हो रहा था प्रीलियम एग्जाम वो भी पहले होगा। अब सोचो जनवरी से आप लोग का स्टार्ट होता था वो अब बहुत पहले से होगा, अब उनको क्या स्कूल वाले को करना पड़ेगा, फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उनको भी अब टेंशन आ जाएगा कि ये न्यूज़ देखने के बाद कि सर इतना जल्दी अब आ गया एग्जाम डेट, तो मेरे भाई अब बहुत जल्दी आप लोग का सिलेबस भी भगा जाएगा। और इसमें आप लोग अगर अभी से पढ़ना नहीं स्टार्ट किए हो मेरे भाई, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, सब कुछ आप लोग के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो होता है ना मेरे भाई, बार बार जो रिपीट होता वो चीज़ एसडी टेक आप लोग को दे रहा है। इसके लिए बोल रहा हूँ अभी चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर, आप लोग को बोर्ड के लास्ट दिन यहाँ पर जो 17 मार्च है ना मेरे, 17 मार्च के मॉर्निंग में भी आप लोग को अपडेट मैं दूंगा, आप लोग को एग्जाम में किस तरीके से जाना चाहिए, जो सब्जेक्ट है उसको कैसे करके जाना चाहिए, सब कुछ मेरे भाई बताऊंगा। तो ये आया है टेंटेटिव टाइम टेबल, उसको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लेना। ये अपडेट आया कि 21 फरवरी से 17 मार्च तक है, एंड 11 फरवरी से 18 मार्च तक यहाँ पे 12th और यहाँ पे 10th। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करोगे, जितना हो सकता मेरे भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम है चैनल को मेरे भाई 100% सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बोर्ड तक हम लोग आपके साथ में हैं।